दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, जिसमें उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, लेकिन हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जिनके बारे में सोचकर ऐसा लगता है कि हाँ, इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। इसलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये शानदार वीडियो, जिसमें आज आप दिल को छू जाने वाले कुछ ऐसे लम्हे देखेंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाएंगे। तो बिना एक भी पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात तो है कि सरप्राइज की बात ही अलग होती है, और अगर सरप्राइज अपने सोल्जर बॉयफ्रेंड के वापस घर लौट आने का हो तब तो किसी भी लड़की का हाल इस चीयरलीडर जैसा होगा। अब आप इस हैरान करने वाले मोमेंट को देखिए, जहां पर एक पैसेंजर का पैर ट्रेन में चढ़ते वक्त फंस जाता है, और ऐसा होते देख वहां मौजूद सभी लोग बस कुछ ही सेकंड की देरी में आकर ट्रेन को हटाने लगते हैं। हम सभी को पता है कि माउंटेन गोट कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, जो अगर अपना एक सिंह मार दे तो इंसान की हालत खराब हो सकती है। लेकिन फिर भी खतरे का अंदाजा होने के बावजूद ये शख्स माउंटेन गोट की फंसी हुई सिंह को निकालता है, और उसे निकालने के बाद इसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। आजकल के जमाने में जहां इंसान इंसान की मदद नहीं करता, वहीं शख्स ने मधुमक्खी को मरता देख उसके आगे लैवेंडर रख दिया ताकि इसे नई जिंदगी मिल सके, और लैवेंडर को देखकर ये मधुमक्खी भी काफी चाव से उसे खाने लगी। दोस्तों फुटबॉल मैच के दौरान प्लेयर रेचल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो प्लेग्राउंड में ही बेहोश हो गई। लेकिन इस सिचुएशन में आप बाकी प्लेयर की दरियादिली तो देखिए कि कैसे अपोजिट टीम के प्लेयर तक आकर इन्हें संभालने लगे। दोस्तों 2015 रग्बी वर्ल्ड कप के दौरान एक यंग फैन प्लेयर सनी विलियम से मिलने के लिए सिक्योरिटी तक से लड़कर प्लेग्राउंड तक पहुंच गया, और ऐसा होते देख सनी विलियम ने तुरंत सिक्योरिटी वालों को डांटकर भगा दिया और अपना मेडल अपने यंग फैन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया, जो कि एक बहुत ही काइंड जेस्चर था। ये बात सही है कि कई सारे डिलीवरी मैन अपना सारा गुस्सा डिलीवरी करने वाली चीजों पर उतारते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई में काफी अच्छे होते हैं, ठीक इस शख्स की तरह, जो जब घर में डिलीवरी देने आया तो उसने देखा कि एक और डिलीवरी गेट के बाहर ही रखी है जिसे कोई भी चोरी कर सकता है। इसी वजह से इन्होंने उस पैकेट को भी अपने पैकेट के साथ छुपा कर रख दिया ताकि कुछ भी चोरी ना हो। दोस्तों जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, लेकिन ये लड़की तो वाकई में लाजवाब है, जो अपने कान से सुनने में असमर्थ पिता को साइन लैंग्वेज के जरिए गाना सुनाने की कोशिश कर रही है, जो कि वाकई में दिल को छू जाने वाला पल है। अब आप इन हाई स्कूल के बच्चों की दरिया दिली देखिए, क्योंकि जहां इनके क्लास के बाकी लोग कुछ बच्चों को उनके कपड़ों और जूतों की वजह से चढ़ाते थे, वहीं इन लोगों ने पैसा मिलाकर उनके लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदे, और इनकी दरिया दिली की ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि इन तीनों को एलन के शो में बुलाया गया और वहां इन्हें खुद विल स्मिथ मिलने आए। व्हिच ऑल थ्री ऑफ देम वर सरप्राइज्ड बाय नन अदर देन विल स्मिथ हिमसेल्फ। दोस्तों पेंगुइन लाख बर्फ में क्यों ना रहती हो, लेकिन इतने बर्फीले माहौल में उन्हें प्रॉब्लम तो होती ही है, और जब एक पेंगुइन बर्फ से फिसल कर गिर गया तो उसे देख बीबीसी की तरफ से शूट करने आई टीम ने पेंगुइन के लिए आने जाने के लिए रास्ता कपकपा देने वाली ठंड में बनाया। दोस्तों खेल में हर समय जीतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कितना बेहतर खेल रहे हैं इससे मतलब होता है, और यहाँ पर इस एमएमए फाइट में लड़ रहे इस प्लेयर ने ये बात साबित भी कर दी, जहाँ सामने वाले प्लेयर को खेलने में असमर्थ देखकर इन्हें समझ में आ गया कि वो खुद से तो हार नहीं मानेगा, और अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो उसे चोट लग सकती है। इसलिए जहाँ ये प्लेयर जीत रहा था वहीं इसने खुद ही हार मान के सामने वाले प्लेयर को गंभीर चोट लगने से बचा लिया, जो कि सच में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। दोस्तों जब इस अनजान शख्स ने बच्चे को खिड़की से लटकते हुए देखा तो बिना अपनी परवाह किए तुरंत ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने लगा ताकि ये उस बच्चे को बचा सके। इस वीडियो से हर कोई इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि खुद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इस शख्स से मिलने की इच्छा जताई, और उसी के साथ ही इसके इस नायाब कारनामे के लिए इसे फ्रांस की सिटीजनशिप भी मिली, क्योंकि ये फ्रांस का नहीं था
और एक माइग्रेंट के तौर पर वहां पर रह रहा था। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसका मन उतना ही शांत हो जाता है, और यही चीज हमें एक्टर रियान रेनॉल्ड के अंदर दिखी, जहां पर इनके फैन ने ट्वीट करके कहा कि वो तब तक ट्वीट करेंगे जब तक रियान उन्हें रिप्लाई नहीं करते हैं। और इस ट्वीट को देखकर रियान ने झट से उसके ट्वीट का रिप्लाई कर दिया, क्योंकि ये अपने किसी भी फैन को नाराज करना नहीं चाहते थे। दोस्तों सच में ये जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं इनका दिल उतना ही बड़ा है। दोस्तों जब कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया में भारी आग लगी थी तो एक तरफ फायर फाइटर्स उस आग को बुझाने में लगे थे तो दूसरी तरफ वो आग की वजह से परेशान जानवर की भी मदद कर रहे थे, जिसका नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर ये फायर फाइटर इस बेजुबान जानवर को पानी पिला रहा है। दोस्तों अब आप इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को देखिए, जहां पर जब इस टेनिस प्लेयर के पैर में मोच आ गई तो इनकी अपोनेंट तुरंत आइस पैक लेकर इनके पास भागी भागी आई और इनकी मदद करने लगी, जो सच में काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर इनकी जगह कोई और होता तो अपनी जीत की खुशी मनाता, लेकिन इन्होंने सामने वाले के दुख में शरीक होना ज्यादा जरूरी समझा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको फायर फाइटर्स के बारे में बताया था कि कैसे उनका दिल उनके काम से भी ज्यादा बड़ा होता है, और इसका नमूना आप यहाँ देख लीजिए। क्योंकि जब ये सभी फायर फाइटर्स आराम से फुटबॉल मैच देख रहे थे, तभी अचानक से इमरजेंसी कॉल आती है और इन सभी का रिएक्शन इतना तेज होता है मानो ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते। दोस्तों भालू एक ऐसा जानवर है जिससे दोस्ती की उम्मीद करना बेवकूफी है, लेकिन उनके मुश्किल वक्त में उनकी मदद करना इंसानियत है, जो इन लोगों ने दिखाए। क्योंकि इस भालू के सर पर एक बड़ा सा प्लास्टिक का टब फंस गया था, ऐसा होते देख इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले इस भालू की मदद करने की सोची। We saved our little bear. कौन कहता है कि इंसानियत मर गई है? अगर आपको ऐसा लगता है तो जरा इस ट्रेलर को देखिए, जिसने जब ये देखा कि एक महिला खराब इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ना चाहते हुए भी अपनी माँ की दी हुई अंगूठी बेचने पर मजबूर है, तो इसने उस महिला को पैसे तो दे दिए लेकिन अंगूठी भी वापस कर दी, जिसे देख कर महिला रोने लगी। अब आप फुटबॉल प्लेयर ट्रेविस की शानदार फोटो को देखिए, जहां जब इन्होंने एक स्कूल बॉय को अकेले बैठे हुए देखा तो ये उसके पास जाकर बैठ गए और उसके साथ लंच करने लगे। इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए इस बच्चे की मां ने बताया कि इस बच्चे की बीमारी के कारण इसके स्कूल के ज्यादातर बच्चे इससे बात नहीं करते, जिस वजह से इसे अकेले ही रहना पड़ता है, लेकिन इतने बड़े फुटबॉल प्लेयर का इस तरह से इस बच्चे के साथ लंच करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। Wanted to have lunch with Bo. इस तरह के मोमेंट आप लोगों ने बहुत कम ही देखे होंगे, क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट वुमेन का लेबर पेन शुरू हुआ तो उसके हस्बैंड कई सारी गाड़ियों को रोकने लगे, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। फिर तभी एक शख्स फरिश्ते की तरह तुरंत आकर इन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाता है और हॉस्पिटल तक छोड़ता है। वाकई में दोस्तों अगर इस तरह के लोग और हो जाएं, तो लोगों को इंसानियत पर वापस से विश्वास होने लगेगा। अक्सर जब आप अपने एरिया में आने वाले गार्बेज पिकअप वर्कर्स को कूड़ा देना भूल जाते हैं तो बिना कुछ कहे सुने चले जाते हैं, पर ये शख्स कुछ ज्यादा ही दरिया दिल थे, जो एक कपल के गार्बेज पिकअप टाइम को मिस करने पर खुद ही डस्टबिन से कूड़ा गाड़ी में लोड करके चले गए, और दूसरे दिन वो कपल इस शख्स की भलाई के लिए इन्हें इनाम भी देते हैं। दोस्तों किसी भी नॉर्मल इंसान को अगर शार्क दिख जाएगी तो सबसे पहले अपनी जान बचाएगा, लेकिन ये दोनों लोग वाकई में शानदार थे, जिन्होंने एक छोटी सी शार्क को पानी की लहरों में फंसा हुआ देखकर तुरंत उसकी मदद करने पहुंच गए, जो कि काफी खतरनाक था, लेकिन अपनी जान का खतरा मोल लेकर भी इन्होंने उसकी मदद करी। दोस्तों अपने करियर की ऊंचाई पर जब माइक टायसन अपना एक मैच खेल रहे थे तभी इनके एक पंच पर इनका ओपोनेंट जमीन पर गिर गया और ये जीत गए, लेकिन इन्होंने अपनी जीत की खुशी मनाने से पहले अपने ओपोनेंट को उठाकर गले लगाना जरूरी समझा, जो एक सच्चे और अच्छे इंसान की निशानी है। अब आप इस दिल को छू लेने वाले पल को देखिए, जहां पर एक कलर ब्लाइंड स्टूडेंट को उसके टीचर ने एक स्पेशल ग्लासेस दिए ताकि वो रंगों को देख सके
और इस चश्मे को अपनी आंखों में लगाते ही इस बच्चे की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। और आंसू आना लाजमी भी है क्योंकि इस बच्चे ने पहली बार दुनिया में मौजूद खूबसूरती भरे रंगों को अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों अब आप इस महिला को देखिए जो हर रोज अपने घर से निकलने वाली स्कूल बस और ड्राइवर को बाय करती थी ताकि वो अपना दिन अच्छे से बिताए। लेकिन जब इस महिला का बर्थडे था तो बस रोककर बस ड्राइवर और बच्चों ने इसे स्पेशली बर्थडे विश किया। इसलिए दोस्तों जिंदगी में हमेशा दूसरों की खुशियों का कारण बनने की कोशिश करिए क्योंकि ऐसा करने से आपकी खुशियां भी दुगनी हो जाएंगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो में दिखाए गए ये शानदार मोमेंट आपके दिल को छू गए होंगे। अगर हाँ तो इनके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।